अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेटर तो आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए अगेन वीडियो लेके आया हूँ। ये है सुजुकी आल्टो के लिए ही। उसमें मैं आपको कुछ इंजन की स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, ठीक है, और उसके साथ आपको प्राइस बताऊँगा, कुछ डिटेलिंग वगैरह आपको दूंगा मैं इसमें। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह तआला मज़ा आएगा आपको देखने का। जिसे भी इंजन चाहिए होंगे तो वो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह तआला इंजन आपको मैं अवेल करवा दूँगा। चलिए लेट्स सी, वीडियो देखते हैं। ये मैनुअल में पड़ा हुआ है और ये 7-8 मॉडल पड़ा हुआ है ना, 4 स्पीड में 7-8 मॉडल। अच्छा जी, ये है इसका मैनुअल इंजन। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये है सुजुकी आल्टो जो 11-12 मॉडल आई थी जैपनीज में, ये उसका इंजन है और मैनुअल में है। इसके अलावा ये है 5 स्पीड और 6 जो है वो रिवर्स है इसका, ठीक है। ये ओवरऑल कंडीशन आप चेक कर लें इसकी, और अंदर से भी मैं आपको ना इसका ढक्कन खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अंदर से इसकी कंडीशन है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो भट्टी होती है ना, कैटलक होती है जो, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी जो भट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो मिट्टी की होती है, वो आपको तकरीबन डालकर तकरीबन ये पड़ जाएगा 1,47,000 का। ये मैनुअल इंजन आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये पड़ा हुआ है ऑटो में, ठीक है, ये भी सेम मॉडल में है और ये 3 स्पीड में है, ठीक है। ये इसकी भी कंडीशन चेक कर लें, ये ओवरऑल मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, कंडीशन वाइज बिल्कुल ओके है इंजन, ठीक है। इसका भी मैं आपको अंदर से हेड जो है ना खोल कर दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसकी अंदर से कंडीशन है, ये जी, ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक थोड़ा डाउन मॉडल में इंजन पड़ा हुआ है, वो ये वाला, ठीक है, ये आल्टो में ये 7-8 मॉडल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी जो भट्टी आती है ना, ये इस तरह कटी हुई आती है, सादी जो है, ठीक है, ये देखें आप, इसकी सादी कटी हुई भट्टी है। और ये वाला इंजन थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये है 4 स्पीड और वो वाले पड़े हुए हैं दोनों, एक मैनुअल में तो 5 स्पीड है ना, वो जो ऑटो पड़ा हुआ है वो 3 स्पीड है, ठीक है, वो इसलिए थोड़ा सा सस्ता है और ये थोड़ा सा उससे महंगा है, ये 4 स्पीड में है। अच्छा, तो ये भी इनके पास ऑटो में पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी है कि किसी को भी चाहिए होगा तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर जब आप लोग कहेंगे तभी फिर चीज़ डिसाइड कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नया आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके, और मुझे फीडबैक आपने लाजमी देना है इस पर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।